जी हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश टीडीएस सिस्टम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है दोस्तों। आज मेरी अपडेट है, बिल्कुल नई अपडेट, फ्रेश अपडेट है और विंटर मौसम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो आज आपके लिए तो ऐसी अपडेट लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको काफ़ी खुशी होगी क्योंकि एक गुड न्यूज़ दोस्तों। एक सैटेलाइट जो पहले बंद हो चुका था वो रीब्रांड हो चुका है, रिफ्रेश होकर एक दोस्तों उसकी नई टीपीज भी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये सैटेलाइट दोस्तों पूरी तरह से बंद हो गया था क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो 15 साल का जो पीरियड था दोस्तों सैटेलाइट का, वो उसके कारण वो एक्सपायर हो चुका था और जिसके कारण अभी इसका नया अपडेट शुरुआत कर दी गई है और इसमें कुछ टीपी भी ऐड हो चुकी है, नई टीपी ऐड हो चुकी है, तो जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो की हम शुरुआत करें तो प्लीज़ पहले जैसे मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों को, वीडियो को भी लाइक करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों शेयर करने से एक दूसरे की मदद होगी दोस्तों, जो लोग फेक वीडियोस बोलते हैं देखते हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी ये अपडेट है और ये अपडेट देख ले तो उसके बाद ही कोई कमेंट करे। तो सारी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ, सारा टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस वीडियो में। और इस मैं सेटेलाइट का नाम भी बता दूँ, इस सेटेलाइट का नाम है कोरियासेट 5A और इसकी जो डिग्री है वो 113 डिग्री ईस्ट है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और उसकी टीपी का सिग्नल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो कौन सी भी टीपी है उस टीपी को भी आप नोट कर लेना है ताकि इस डिश को आप सेटेलाइट को ट्रैक कर पाए। तो ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको डिश के पास ले चलता हूँ जो मैंने अभी अभी ट्रैक किया है। ये पीछे आप देख रहे हो तो काफ़ी धुंध हो रखी है, तो हमारे यहाँ पर अभी काफ़ी ठंड हो चुकी है दोस्तों। सामने देखिए, पहले आपको पहली पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिख रही थी ये, ठीक है। अब पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी फॉग है तो जिसके कारण थोड़ा सा दोस्तों ठंड ज़्यादा होने के कारण, तो मैं थोड़ी सी जल्दी आपको वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ क्योंकि तो यहाँ पर काफ़ी ठंड हो चुकी है। तो ये मेरी डिश है दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है कोरियासेट 5A 113 डिग्री ईस्ट पर। तो सैटेलाइट का जो मुझे सिग्नल मिला टीवी का, तो वो भी मैं आपको टीवी पे चलकर नीचे दिखाऊंगा, सैटेलाइट पॉइंटर वैसे पड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसको अभी पहले ही इसको कनेक्ट किया हुआ है वायर से। एक बार आपको मैं डिश दिखा दूँ दोस्तों, डिश कैसे रखनी है आपको, डिश ये देखिए कितनी झुकी हुई है, थोड़ी सी ठीक है, सीधी से आगे की ओर थोड़ी सी झुकी हुई है, ये आप देख लीजिए। लगभग सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जैसे हमारा डेढ़ी फिटिश है और ये देखिए कहाँ का है, ठीक है। 108 डिग्री से आपको लेफ्ट थोड़ा सा टर्न करना है, 108 डिग्री से लेफ्ट थोड़ा सा टर्न करना है, ठीक है। तो डिश को पूरा लगभग सीधा से थोड़ा सा झुकाना तो ये सैटेलाइट ट्रैक हो जाएगा। तो चलिए आपको नीचे चल के मैं इसकी टीपी भी दिखा दूँ और टीपी के साथ मुझे कितना सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो चलिए नीचे चलते हैं। लीजिए अभी हम अपने टीवी की ओर आ चुके हैं, तो मैं टीवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रेस बटन को मैं ओके करके लोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और लोडिंग दोस्तों इसकी प्रोसेस है, मैं इसको फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो। दोस्तों ये YouTube हिस्ट्री में पहली बार मैं ये हमारा चैनल है जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है 113 डिग्री की। तो इससे पहले दोस्तों ये सैटेलाइट पहले बंद हो चुका था, इसमें वतन HD वगैरह भी चैनल चल रहे थे और इंडिया का भी एक कुछ चैनल चल रहे थे सोनी पल, तो दो चैनल इसमें चलते थे। वो चैनल अभी जो सैटेलाइट रीब्रांड होने के कारण जो TPS वगैरह चैनल वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों ये फिर से रीएक्टिवेट हो चुका है और इसकी टीपी भी आ चुकी है और टीपी का इंतज़ार करने के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दोस्तों पहली लोडिंग की है, मैं आपको दूसरी लोडिंग भी करके बताऊंगा। दूसरा जो स्कैनिंग है, ये पहली स्कैनिंग में मुझे पहला जो टीपी प्राप्त हुई है, इस टीपी को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस टीपी को नोट कर लीजिए जो पहली आई है वर्टिकल में। अब मैंने दूसरी बार इसको ऑटो स्कैन किया तो दोस्तों मुझे कौन सी टीपी मिलने वाली है वो भी आप देख लीजिए। प्रोसेसिंग मेरी तेज़ है तो दोस्तों ताकि आपका समय ना खराब हो, तो 113 डिग्री कोरियासेट 5A आपके सामने लोडिंग प्रोसेस में कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्तों ये देखिए टीपी सेम ही है, टीपी पहली वाली भी वही थी 100, ठीक है। दूसरी में सिर्फ इसका पोलराइजेशन वो चेंज हो चुका है, इसमें हॉरिजेंटल है दिखाया गया और पहली वाली में वर्टिकल दिखाया गया, टीपी बाकी और सिंबल रेट सेम है। तो उसके बाद मैं आपको इसका टीपी का सिग्नल भी बताऊंगा, दोनों टीपी के सिग्नल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। दोनों टीपी को नोट कर लीजिए, YouTube हिस्ट्री पर हमारा ये पहला चैनल है जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रीब्रांड रिफ्रेश होने के बाद इस सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन देने वाला ये चैनल पहला चैनल है। देखिए पहली चैनल जो पहली टीपी है वो देख लीजिए, 125 तीन सेम टीपी सेम है वर्टिकल और मुझे 100 सिग्नल मिल रहा है, बिल्कुल देख लीजिए आपके सामने। और ये हॉरिजेंटल वाली टीपी है, ये भी मुझे 100 सिग्नल दे रही है।
तो दोस्तों ये 113 डिग्री की अपडेट आपको अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।